मेरा नाम इम्तियाज मंसूरी है, हम अहमदाबाद से आएंगे। I7 का बहुत नाम सुना था डॉक्टर राहिल सर का, हमारा ऑयल एंड गैस का आएगा, काम चालू था हमारा, साइट चालू थी, तो मैं गाइड कर रहा था खाली बंदे को, वो बंदा काम कर रहा था, मैं दूर खड़ा था। एकदम से स्पेनर टूटा और उसका टुकड़ा उड़ के आया, अचानक से लगा एकदम, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था, मेरा ऐसा मुड़ना हुआ, आग की जो पुतली है वहाँ लगी थी। सिर्फ गॉगल्स के सिवा सब कुछ था इनके पास, सेफ्टी शूज सब कुछ था, हैंड ग्लव्स भी थे। एक ही गलती हुई कि गॉगल्स नहीं पहने थे इन्होंने, और रोज पहनते थे उसी टाइम नहीं पहने थे। तो हम वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए, हमने सर्जरी ये करवाए, पर्दे का तो उस टाइम नहीं हुआ, फिर अब कराना था। तो हमको पता चला कि I7 में रिजल्ट अच्छा है, काफ़ी लोग सेटिस्फाई है, वीडियो देखे थे राहिल सर की, हमको लगा कि यहाँ आके कराना बेहतर है, क्योंकि अगर दूसरी जगह कराते हैं और इसमें अगर लेट हो गए, वहाँ अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने लाइट, जैसे कि लाइट वगैरह कुछ, तो किधर से रोशनी आ रही है लाइट की पता चलता है, सर से मिल के तो लगा है। टेंशन उलझन थी वो कम हुई है उनसे मिलने के बाद। चोट कब लगी है, कितने दिन हो गए? 15 मार्च को लगी थी सर। 20-25 दिन हो गए हैं ना? हाँ, 20 दिन। तो देखो, जो चोट लगी है आपको ये आयरन पार्टिकल के साथ है ना, तो इसकी वजह से अभी तो पर्दे में डैमेज हो गया है जी, और डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप ऐसा लगा लो कि अभी पर्दा देखने में बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद हो रहा है। इसको हम क्लिनिकल टर्म्स में बोलते हैं क्लोज्ड फनल RD, क्लोज्ड फनल रेटिनल डिटैचमेंट। और इन केसेस के अंदर जो विजुअल प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी पुअर रहता है, है ना। बट द ओनली थिंग इज कि अगर हमें इसका ट्राई तो एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ वी ट्राई तभी आगे कुछ उम्मीद है कि हाँ कुछ विजन आती है, कैसे आता है। द फर्स्ट थिंग विच वी एम इज़ कि पहले पर्दा अटैच हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम विट्रेक्टमी सर्जरी करेंगे। विट्रेक्टमी होगी, आँख के अंदर ऑयल डलेगा, ठीक है। ऑयल डलने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 हफ्ते उल्टा लेटना पड़ेगा, ठीक है। और इन केसेस के अंदर जिनमें चोट लग जाती है आँख के अंदर और पर्दे की इतनी ज़्यादा खिंचाव आ जाता है पर्दे के अंदर, तो इसमें सर्जरी भी एटलीस्ट 1.5-2 घंटे चलती है आपकी, ठीक है। पर्दे का खिंचाव खत्म करेंगे, आँख में ऑयल डालेंगे, उसके बाद आप उल्टा लेटेंगे। बाकी जहाँ तक विजन की बात है कि रोशनी कितनी आती है, वो तो देखो टाइम के साथ पता लगेगा, ठीक है। जितनी भी पर्दे में जान बची होगी, जितने पर्दे के सेल काम कर रहे होंगे, वो टाइम के साथ रोशनी पकड़ेंगे, बट यूजली 3 से 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है, नज़र आने में। बाकी अभी आँख के अंदर लेंस भी नहीं है, अभी लेंस हम डाल भी नहीं रहे हैं, ठीक है। एक बार हमें लगेगा कि पर्दा अपनी जगह पर सेट हो गया है, तेल निकालने के बाद भी पर्दा अपनी जगह पे सेट है, फिर उसके बाद देखेंगे अगर हमें लेंस वगैरह डालना है और कितना नज़र की पोटेंशियल आती है। जहाँ पहले ट्रीटमेंट हो रही थी वो बोल रहे थे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बाद में करेंगे, अगर उनके हिसाब से हम चलते हैं तो काफ़ी लेट हो जाते, और वो सिर्फ ये लाइट वगैरह दिखा के चेक कर लेते थे, और उन्होंने यूँ बोल दिए थे कि उम्मीद नहीं है, बस हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बोले थे उन्होंने। बस अल्लाह से यही दुआ है कि सर्जरी अच्छे से हो जाए। So today we are going to operate on a young male, 26-year-old, who presented to us yesterday, and he had a total retinal detachment on ultrasound. He had a closed funnel configuration. Basically, he had a history of trauma, open globe injury, and it was repaired somewhere else. The patient is aphakic right now, so we'll be making 3 25G pars plena ports about 3 millimeters from the limbus. And then we'll just clear the lens matter which is present in the anterior chamber, and then we see how the surgery proceeds further. So the OGI repair, I think, is still fresh, so the wound has opened up. We'll put 2 10-0 sutures first, and then we'll proceed further. So we have sutured the wound, and now we are going to start the vitrectomy. Here we can see the retina is extremely contracted. We're not able to see the disc even, and we have a very small window of the cornea through which we can actually visualize. So the surgery is going to be a little challenging. Let's see. So right now I am trying to remove the entire vitreous, whichever is all stuck around the retina. The vitreous in the cavity is already liquefied, but in the periphery there are thick vitreous membranes with the vitreous hemorrhage. So here we can see that we are able to see a disc and fovea. So the fovea is fine. So we have put some PFCL on the posterior pole, and we can see the disc and the macula right now. The entire retina on the nasal aspect is already tented up. So we'll have to do a retinectomy. We'll start from the nasal side, and then we'll see if we need a retinectomy in the other quadrants also. So here now we have done almost nasal retinectomy.
एंड वी कैन सी द पोस्टीरियर पोलिस फ्लैट बट स्टिल ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट देर आर स्टिल दिस रेटिनल फोल्ड्स एंड रेटिनल स्टिफनिंग आई पुट सम मोर PFCL ऑन द पोस्टीरियर पोल एंड देन जस्ट असेस इफ वी नीड टू डू सम मोर रिलैक्सिंग रेटिनेक्टमीज सो नाउ आई हैव रिमूव्ड द PFCL जस्ट टू assess if some posterior hyoid is still left. We've done a limited retinectomy on the nasal aspect, roughly 180 degrees. So there was some amount of bleeding also which went into the PFCL. So I removed PFCL, removed the blood, and I put some tricot now. Just see. So there's a thin sheet of hyoid which is there on the posterior surface. So just trying to scrape it off. We don't want any hyoid to be left behind. Else it will cause formation of macular puckers, epiretinal membranes or even an extensive PVR once the retina is settled. So the retina in other parts is also very stiff and so we're planning to do an almost 360 degree retinectomy. We have almost flattened the retina. PFCL we have put roughly I think around 1.5 2 ml of PFCL. And we are able to save the retina up till the equator. But beyond that, because the retina was too stiff, we had to do a retinectomy. Completely filled the globe with PFCL and the retina is flattened now. We'll be doing laser and then eventually we'll do a PFCL oil exchange. ठीक है? अब उल्टा लेट ना इतना हो सकता तभी जुड़ा रहेगा ये सो वी ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड अ 360 डिग्री लेजर एंड नाउ फाइनली वी विल बी डूइंग अ PFCL ऑयल एक्सचेंज द रेटना इज फ्लैट एंड वी हैव लेजर्ड ऑल द मार्जिन्स सो राइट नाउ आई एम डूइंग अ PFCL ऑयल एक्सचेंज सो वी कैन क्लियरली सी दैट देयर इज एन इंटरफेस ऑफ PFCL एंड देयर इज ऑयल ओवर इट एंड वी कैन सी द PFCL बबल रिसीडिंग देयर इज नो स्लिपेज एट द एजेस ऑफ द रेटना So basically, I do a passive PFCL oil exchange. It takes time, but it is more controlled. So this ends our surgery. We completely removed the PFCL and the oil is in place. So as we have seen that this was a really challenging case, but because the child was, he was a young patient and it was a closed funnel RD. So we did the surgery under a very guarded prognosis. It required a vitrectomy and also required a 360 degree, a nearly 360 degree relaxing retinectomy. And we also used PFCL to flatten the retina and then finally did a PFCL oil exchange. Now we have instructed the patient to take a very strict prone position for next 2 weeks at least. Let the laser reaction come and then we'll see how the retina acts. Hopefully he remains The retina remains attached and he likely gains some amount of vision. ठीक है ये सिर को ऐसे रखना बिल्कुल नीचे टेढ़ा ऐसे हाथ हाथ नीचे लेके आओ इधर ऐसे हाँ बस ऐसे ठीक है ऐसे उल्टा रहेंगे ये बिल्कुल लगातार ठीक है बाकी अगर थक जाते हैं उल्टा लेटे लेटे तो कुर्सी पे बैठ के टेबल पे सिर नीचे ठीक है लगातार हेड डाउन पोजिशन रखनी है ठीक है बाकी अब पर्दा तो देखो जोड़ दिया एक बार ठीक है बाकी तो अब सब कुछ इनकी अपनी मेहनत है कि कितनी देर उल्टा लेटते हैं बाकी जितनी पर्दे में जान होगी जितना उसकी कैपेसिटी होगी वो जुड़ेगा जी, वो तो टाइम के साथ पता लगेगा हमें ठीक है अपनी तरफ से अभी तो हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया बाकी कल देखते हैं एक बार कल प्रेशर वगैरह चेक कर लेंगे ठीक है बाकी उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ वगैरह बताएंगे वो, नहीं वो तो मेहनत कर लेगा हाँ उल्टा लेटो बाकी देखते हैं टाइम के साथ पता लगेगा है ना अपनी तरफ से अभी हमने सक्सेसफुली पर्दा एक बार को तो जोड़ दिया हमने ठीक है चलो आ जाओ इधर बैठ जाओ एक बार ना इधर देखो ऊपर ठीक है अभी तो पर्दा जुड़ा हुआ है ना बाकी ऑयल डला हुआ है तो उल्टा लेटना है अभी एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन और लेट जाओ उल्टा फिर धीरे धीरे एक बार पर्दा पूरा जुड़ गया दवाई उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी आपकी कम कर देते हैं ठीक है बाकी तो जो नज़र वगैरह है वो तो टाइम के साथ पता लगेगा अभी एक बार पर्दा जुड़ जाए अच्छे से
ठीक है जी सर। तो उल्टा लेटना है अभी, आप एक हफ्ता तो लेटे उल्टा अच्छे से जी। हफ्ता 10 दिन और है ना जी सर, फिर मेरे को एक बार 2 हफ्ते में दिखा दो है ना, फिर देखते हैं फिर दवाई उस हिसाब से और कम करेंगे ठीक है। थैंक यू। ओके ठीक है, 2 वीक्स। ओके जी, ओके ठीक है, थैंक यू, ओके थैंक यू सर।